बदल दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एसआई का एकता यूनियन निरंतर आंगनवाड़ी कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराती रही है, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक बार फिर राष्ट्रीय आह्वान पर आंदोलन के माध्यम से आंगनवाड़ी कर्मियों की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों की लंबे समय से लंबित नियमितीकरण और रिटायरमेंट लाभ की मांग पूरी करने हेतु लंबित वेतन, खाना पकाने की लागत में वृद्धि, पर्याप्त पूरक पोषण सुनिश्चित करने के लिए एवं विरोधी नीतियों जैसे बजट में कटौती के कारण मजदूरी और भत्ते का भुगतान न करने, आधार लिंकिंग और पोषण ट्रैकर के नाम पर लाभार्थियों को लाभ रोकने और वर्कर्स को परेशान करने और एनईपी की प्री स्कूल शिक्षा के नाम पर आंगनवाड़ी केंद्रों के मर्जर को बंद करना, कीमतों में वृद्धि के कारण खाना पकाने की लागत में वृद्धि, आंगनवाड़ी केंद्रों में रूढ़िवादियों और धार्मिक प्रयासों को मजबूर करना, गैर आईसीडीएस काम करने के लिए मजबूर करना, ग्रेजुएटी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2018 से वेतन में वृद्धि नहीं करना, ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने के लिए धार्मिक का उत्पीड़न और छटनी आदि के खिलाफ विरोध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साई का एकता यूनियन द्वारा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर को आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों को शीघ्र निराकरण करने हेतु ज्ञापन सौंपा। आज हम ज्ञापन इस बात का दे रहे हैं कि जो महिलाएं की बीएलओ में ड्यूटी लगा रखी हैं उन्हें हटाया जाए, और जो भी हमारे से निरर्थक काम कराए जाते हैं, मतलब हमारे आंगनवाड़ी से अलग हटके, वो हमारा काम बंद कराया जाए सबके, और हमसे आंगनवाड़ी का ही काम कराया जाए। और जो 2018 से हमारे 1,500 रुपये बढ़ाया था मानदेय में, वो अभी तक नहीं दिया गया, तो हमें एरियर से ही दिया जाए। अगर ये सारी मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम आगे बड़े रूप में हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे और धरना देंगे और 8 दिन तक आंगनवाड़ी बंद रखेंगे। अभी किस प्रकार का आपका विरोध प्रदर्शन है? क्या हड़ताल आपकी आज से शुरू की गई है? कितने दिवसीय हड़ताल है या केवल आज प्रदर्शन है? आज खाली प्रदर्शन है, ज्ञापन ही दे रहे हैं। आज हड़ताल हम बाद में करेंगे जब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। ये हमारी मुख्य मेन मांगे ये है कि हमें परमानेंट किया जाए। 15 वर्षों से हम सभी आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता सहायिका सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हम बार बार ज्ञापन देते हैं, बार बार हड़ताल करते हैं, लेकिन शिवराज जी हमारी नहीं सुनते, इसलिए हम बार बार प्रदर्शन करना पड़ रहा हमको, और नहीं मानेंगे तो और बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। और ये जो अन्य विभागों के कार्य हमको दिए जाते हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाओ, आधार कार्ड भी बनवाओ, सभी विभागों के कार्य दिए जाते हैं, तो ये हमको नहीं देवे, इसलिए हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्य मांग ये है कि हम ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं आज कि हमको परमानेंट किया जाए और हमको न्यूनतम वेतन दिया जाए, और हमारा जो है मानदेय रुका हुआ है वो भी दिया जाए।